तो हमारा डोरेमोन बहुत दिनों से ना गाँव गया था, ठीक है। तो ये फाइनली आ गया डोरेमोन, वेलकम बैक। तो यार ये फिर से जा रहा है भाई, ठीक है। डोरेमोन तू कहाँ जा रहा है भाई, सबको बता दे। मोराने नहीं मतलब तू हॉस्टल पे जा रहा है ना। हॉस्टल। तो यार डोरेमोन पढ़ाई करने अभी हॉस्टल पे जा रहा है, ठीक है। तो यार अभी मिलेंगे डायरेक्ट और सीधा नेक्स्ट हॉलीडेज में, ठीक है। तू यार दिवाली में वगैरह आ जाएगा ना, तो यार तब मिलेंगे। नहीं तो तुझे कोई अभी बीच में छुट्टियाँ वगैरह होगी तो तब ज़रूर आना, ठीक है। तो यार हम डोरेमोन को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और तू यार गांव भी गया था यार, मतलब क्या यार तू आया ही नहीं यार। सब लोग मतलब पूछ रहे थे डोरेमोन कहाँ पे गया, डोरेमोन कहाँ पे गया, डोरेमोन कहाँ पे गया। तो ठीक है आज डोरेमोन भाई तू अभी सब है ना पेट्स हमारे देख ले, तुझे कैसे लगते क्या लगते। ओके वीडियो में अपने देखे होंगे ना यार, हाँ। तो यार ये देख, ये मैंने ना अभी मार्केट गया था ना, वहाँ से दो ये लेके आया, दो पेयर हमारे डम्बूयर के। ओके तूने तो वीडियो में देखा होगा, फिर अब भी देख ले यार लायू। और यहाँ पे मैंने ना वो एक डज़न हमारी शॉर्ट टेल लाई थी, जो कोई ना सेंटा क्लॉज शॉर्ट टेल से दिखा गई, देख ये वाली लाई थी। और कुछ मॉली फिश नहीं लाई यार इस बार मैंने। और ये देख इधर, ये तुझे सबसे खतरनाक चीज़ दिखाता है इधर, ये तुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जा लेते ना भाई एक मिनट यहाँ पे ना भाई, ये चीज़ यार तूने देखी होंगी यार, मुझे नहीं पता बट मैंने अपडेट दिया था वीडियो में इसका। अभी यार कहाँ गई यार, ये भग गई। हाँ ये देख आ गई, ये देखा रेड कलर की गप्पीज लाई मैंने, ये पकड़ना चाह रही एक मिनट ऐसा। ये देखिए ये वाली मैंने गप्पीज लाई मार्केट से, तूने देखा था वीडियो, ये देखी देखे तूने देखी थी, बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये इसका मेल है और एक फीमेल है, तुझे तो पता ही है ना। ओके तो दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इवनिंग हो गई है, और मैंने हमारे सेटअप के सारे पिजन्स छोड़ दिए और उनको दाना पानी भी कर दिया। तो यार अभी वो पानी भी पी रहे और एक एक करके भी सब बाहर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग यार सबको। तो दोस्तों आज हमें हमारे जो हंसर का जो टैंक का सेटअप है भाई, यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लेके आएंगे, पहले उनको हम धो लेते यार अच्छे से, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके। और पहले तो हमारे गिनी पिग्स को घास दे देते, आपको पता है यार यहाँ पे हमारा गिनी पिग्स का सेटअप आने वाला है। तो अभी तो हमारे गिनी पिग्स बाहर ही है। चलो भाई अभी हमारे गिनी पिग्स को हम उनका घास देते हैं। चलो और ना दोस्तों अभी हमारे दोनों ये जो ऊपर के दोनों टैंक है ना, ये हम हैमस्टर यहाँ पे रखने वाले, आपको तो पता ही है। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, इसमें से जितना भी सामान वगैरह हम सब निकाल के फेंक देंगे और यहाँ पे अच्छे से धो लेंगे हमारे दोनों टैंक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारे देखो यार कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी जम चुकी है, तो हमें सारा धोना पड़ेगा फिर हम ये अंदर देंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल भी आती थी और धूल आने की वजह से यार वो पूरा ख़राब भी हो गया और बारिश भी चल रही है। तो भाई हमारे हैमस्टर हम लाएंगे तो हमारे हैमस्टर को बहुत ज़्यादा खतरा होगा, तो इसकी वजह से यार हमें, और यहाँ पे धूप भी आती है यार, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत धूप मतलब इतनी नहीं आती बट मॉर्निंग वाली थोड़ी बहुत आती है। दोस्तों हमारा अभी यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे से, मैंने दोनों टैंक हमारे अच्छे से अभी धो लिए और भाई सारा पोर्च भी धो लिया। तो अभी हमारी सिर्फ ये रैक है ना भाई अंदर लेके जानी है, और आपको तो पता है यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला है। देखेंगे भाई हमें वहाँ पे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो भाई अभी बाहर ही आती है यहाँ की, यहाँ का मैं अभी सारा धूल देखो भाई, यहाँ पे धूल देखो, द डेजी फिश देखो भाई, यहाँ पे देखो धूल देखो यार, ठीक है। तो अच्छे से अभी क्लीन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ का अभी सारा क्लीन कर लिया, और दोस्तों अभी ना इसको ना अभी अच्छे से अभी सूखने देंगे, सूखने के बाद हम अंदर शिफ्ट कर देंगे। प्लीज वेलकम बैक। तो दोस्तों अभी हो गई है क्या बोलते यार, इवनिंग का टाइम है, मतलब ये इवनिंग होने वाली है थोड़ी देर में। और दोस्तों मैं अभी ऊपर आया और ऊपर मैंने एक क्यूट सी चीज देखी यार, हमारे जो बेबी पोलर पैरेट से वो अभी बाहर आ चुके हैं। और भाई मैं कल परसों में ना यार ये यहीं पे थे यार, उनके घर के अंदर ही थे, तो आज देख सकते हो यार कितने क्यूट भाई, स्पॉन्ज फिल्टर के ऊपर क्या करते हैं यार, मतलब एक बैक्टीरिया रेडी होता है ऐसा मुझे बोले थे भाई एक ब्रीडर भाई, कि वो खाते रहते यार, इसकी वजह से स्पॉन्ज फिल्टर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे सेटअप में आज आ चुकी है, मतलब आज नहीं यार कल आई थी यार, ठीक है ना, कल आई थी। तो यार मैं बहुत दिनों से वो ऑर्डर करके, दिन हो चुके थे और ऑर्डर करके, तो आज सॉरी कल वो फाइनली आ गई। और वो चीज़ क्या है भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
दिखाओ यार आपको, तो आपको थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो भाई ये है वो चीज, तो देख सकते हो भाई, ठीक है ना, बड़े काम की चीज है। अभी आपको इसके फायदे बताते घर में भाई। ये बड़े अच्छे तरीके से पैकिंग करके आई थी अच्छे बॉक्स में, तो मैंने इसको ना सेपरेट कर लिया। तो भाई इसमें हमें मिलता है सबसे पहले तो मुझे ये स्टिक निकली थी, तो स्टिक को मैंने ना ये जाली ना भाई एडजस्ट कर दी, ठीक है। और भाई सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे काम की चीज़ भाई ये है, ठीक है। तो मैंने इसे यूज़ भी किया, अभी जस्ट यूज़ किया, तो और यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। पहले इसका यूज़ दिखाता हूँ फिर आप बोलना भाई। तो मुझे कंफर्म पता नहीं है भाई इसका यूज़ मतलब यही है या नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर किया हूँ। और आप मुझे ज़रूर बताना भाई, मेरे से कुछ गलती बिल्दी होगी आप मुझे सजेस्ट कर देना भाई, ये क्या है मतलब इसका यूज़ यही है या नहीं दूसरा है आप मुझे बता देना। तो चलो भाई अभी मैं आपको इसका ये यूज़ बताता हूँ। तो यार ये देखो भाई, अभी यहाँ पे हमारे पूरे क्षार लगे हमारे फ्लोरम के टैंक को, ठीक है। तो भाई ये क्षार हमें, मैंने बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डाल के भी नहीं निकले, तो अभी इससे निकाल के देखते हैं। तो यार बड़े आसानी से यार ये जो शार लटके ना भाई, मतलब ये आसानी से निकल जा रहे हैं। तो एक देख सकते हो यहाँ पे मुझे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, अच्छे से नहीं करने आ रहा, इसलिए ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है। तो यार एक मिनट यहाँ पे डालते हो इसे, अभी हो जाएगा। ये देखो भाई कितना ईजीली ये निकल रहा है, और अभी वॉइस भी निकल रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा ना, आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो यार ये देख सकते हो यार हमारे इधर डेजी फिश के लिए भाई ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि आपको पता है यार हमारे पास कितने सारे टैंक है, तो भाई हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी इतने सारे टैंक्स धोने में। तो यार ये इतने काम की चीज़ मिली ना मुझे, ये भाई किस भाई ने सजेस्ट किया तो मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगा। ये देखो भाई उस भाई का नाम मैं ना इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगा, क्योंकि भाई ने मुझे बहुत पहले कमेंट कर दिया था आप ये चीज़ मंगवाओ यार, और जेन्युइनली भाई ये चीज़ है ना भाई बड़े काम की है। तो यार देखो यार हमारे पूरे क्षार भाई साफ हो गए यार, बड़े काम की चीज़ दी है भाई आपने। तो मैं भाई के लिंक ना इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगा। और भाई हाँ यार ये जो जाली ना, ये जाली से मतलब हमारे जो गप्पीज वगैरह जो होती है भाई, मतलब अभी वो कुछ गप्पीज है भाई, मतलब उनको अभी अर्जेंटली हमें साइड में करना है, नहीं तो भाई पकड़ना है, तो भाई ये हम इजीली यूज कर सकते। और ये जाली भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और देखते हैं भाई क्या क्या है इसमें। तो यार ये क्या चीज़ है, ये शायद से मुझे नहीं पता यार, पहले ना मैं इसे ज्वाइन करके आपको मिलता हूँ। दोस्तों मैं कब की कोशिश कर रहा हूँ इसे ज्वाइन करने की, बट ये ना ज्वाइन ही नहीं हो रहा यार, मतलब ये मुझे कैसे ज्वाइन करते हैं मुझे नहीं पता। तो यार आप है ना मुझे सजेस्ट कर देना का भाई ये ज्वाइन कैसे करते हैं, और मुझे इसका जो यूज़ है वो भी बता दो यार, मतलब मुझे सच में नहीं पता यार ये किस काम का होगा। तो यार अभी ये तो मुझे पता है यार, ये बड़े काम की चीज़ है यार, ये भी देख लेता हूँ, इसे भी यूज़ करके लेते हैं हम। इसकी पैकिंग है ना भाई बॉक्स में आई थी, तो मैंने ना सब पैकिंग वगैरह निकाल के मैंने ना मतलब कल ही देखा था, कल ही बॉक्स वगैरह फेंक दिया मैंने, अच्छा पैकिंग करके आया था ये। अभी यार इसका कैसा यूज होगा यार, अबे यार शायद है ना यार ये है ना, ये जो ब्लैक वाला है ना इसमें अटकाना है ऐसा। ओके 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 यार, एक मेरे से ना एक बड़ी गलती हो गई, ठीक है भाई। गलती क्या हो गई भाई, इसके साथ जो बॉक्स आया था ना, ये जिस बॉक्स में आया था ना ये चीज़ें, जो बॉक्स में आई थी ना, तो भाई वो बॉक्स मैंने दिया भाई फेंक दिया कल, मतलब मैंने ये प्रोडक्ट वगैरह निकाला और वो बॉक्स फेंक दिया। तो भाई उस बॉक्स पे भाई सब स्टेप दी थी कि भाई ये कैसे ज्वाइंट करना है, ये कैसे ज्वाइंट करना है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। तो भाई एक गलती हो गई यार मेरे से, वो फेंक दिया मैंने, अभी वो डस्टबिन में नहीं मिल रहा, कहाँ गया क्या मालूम यार। तो यार आप है ना मुझे सजेस्ट कर देना कि भाई इसका यूज क्या है और ये कैसे ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। और इसका तो यूज हमें पता ही है। तो यार ये ना यार यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना फंस गया है, मतलब आप भी बताना यार इसका यूज कैसे होगा, और इसका भी यूज़ मुझे बता देना। और भाई ये क्या चीज़ है मुझे बिल्कुल बताना कि क्या है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार ये। तो ठीक है ये थी भाई हमारी वो बड़ी काम की चीज़ है। तो और एक सरप्राइजिंग चीज़ है हमारे सेटअप में ऐड हुई है कल, ठीक है। तो यार मैं इसको सरप्राइजर ने देना चाहता था, बट अभी क्या है भाई आपको बता ही देता हूँ। तो भाई हमारे सेटअप में
और पोलर पैरेट्स ऐड हुए है, ठीक है। तो देख सकते हो यार कितने सारे पोलर पैरेट्स है हमारे पास अभी। ये जितने भी आप पोलर पैरेट्स के बेबीज देख रहे होंगे ना, एक मिनट आपको दिख रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ यार अब भी दिख रहे होंगे भाई, ये देखो कितने ज़्यादा है, ये देखो। तो भाई ये सारे पोलर पैरेट्स के जो बेबीज है, हमारे जो कॉलोनी में एक अंकल रहते हैं तो उनके यहाँ पे हुए थे ये सारे बेबीज। तो भाई वो अंकल मुझे ये सारे पोलर पैरेट्स के बेबीज देके गए। देख सकते हैं यार कितने सारे ये। यार मैं मतलब घर पे नहीं था, ये घर वालों के पास ही देखे गए और घर वालों ने यहाँ पे सीधा डाल दिया। तो ठीक है, इनको तो कोई परेशानी तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पोलर पैरेट्स है भाई। इधर अच्छा हुआ भाई, इधर नहीं डाले तो इधर हमारा फ्लोरा ने, आपको पता है यार। ये हमारे बेबी पोलर पैरेट्स देख सकते हो। तो ये इनका जो ये जिनको जो डैड वगैरह अच्छे से केयर कर रहे हैं, मतलब इनको कोई टेंशन नहीं, ये बहुत जल्दी इनके जैसे बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पे ये करता हूँ, एंड करता हूँ। और हमारे पास और एक सरप्राइजिंग चीज़ है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो शो कर दूंगा। तो मिलते हैं भाई। और भाई हाँ, वो मुझे आप ज़रूर बता देना भाई इसको यूज़ वगैरह कैसे करते हैं, नहीं तो वो भाई। तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।